शिव पुराण कथा के पीछे क्या है विज्ञान? क्या शिव का महत्व सिर्फ सांस्कृतिक है, या फिर इस भस्म से सजे योगी, देवों के देव, महादेव के अन्य पहलू भी हैं? हिंदू संस्कृति में पुराणों की चर्चा खूब मिलती है। इन्हीं पुराणों में से एक है शिव पुराण। यानी जीवन के जितने पहलू हैं, उतने ही पहलू शिव के बताए गए हैं। तो क्या है इस पुराण में? सिर्फ कहानियां या कहानियों के जरिए कुछ और बताने की कोशिश की गई है? जिस विशाल खालीपन को हम शिव कहते हैं, वह सीमाहीन है, शाश्वत है। मगर चूंकि इंसानी बोध रूप और आकार तक सीमित होता है, इसलिए हमारी संस्कृति में शिव के लिए बहुत तरह के रूपों की कल्पना की गई। गूढ़, समझ से परे ईश्वर, मंगलकारी शंभो, बहुत नादान भोले, वेदों, शास्त्रों और तंत्रों के महान गुरु और शिक्षक, दक्षिण मूर्ति, आसानी से माफ कर देने वाले आशुतोष, सृष्टा के ही रक्त से रंगे भैरव, संपूर्ण रूप से स्थिर अचलेश्वर, सबसे जादुई नर्तक नटराज आदि। शिव पुराण मानव प्रकृति को चेतना के चरम तक ले जाने का सर्वोच्च विज्ञान है। शिव शून्य है। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही एक विराट शून्यता है। उसमें मौजूद आकाश गंगाएं केवल छोटी मोटी गतिविधियां हैं, जो किसी फुहार की तरह है। योग को एक विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया है। योग और शिव पुराण को अलग नहीं किया जा सकता। शिक्षा देने का एक बेहतर तरीका है उसे कहानियों या नाटक के रूप में प्रदान करना। शिव पुराण के छुपे वैज्ञानिक रहस्य न सिर्फ हमारी संस्कृति को महान बनाते हैं, बल्कि जीवन का गहरा भेद भी खोलते हैं।